गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो लबो लबो सभी आ गए, क्या बात है। रॉय आ गए हैं, सुबोल आ गए हैं, पवन, मुमताज, आशीष, प्रिंस और चंद्री भी आ गए, लगभग लगभग सभी लोग आ गए हैं। एक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और यहाँ पर सुदीप भी आ गए हैं, सैक भी आ गए हैं, प्रिंस भी आ गए हैं। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। अभी के लिए आप लोग माइक ऑफ कर देना, जब मैं बोलूँगा तो आप लोग आराम से ऑन करके एक करके बात करेंगे, ठीक है। और ये सेशन क्यों रखा है, 20 को क्यों नहीं रखा, वो भी आपको सब क्लियर करेंगे, ठीक है। आपका मन करेगा तो आप अपना, अगर नेट का स्पीड अच्छा है तो अपना फेस ऑन करो, नहीं अच्छा है तो कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं कहाँ गया, अच्छा मैं कोई मिनिमाइज़ कर लिया, ओके। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिमूव दिस टाइटल। क्या धन्य दिन आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखो गाइस, एक्चुअली हम लोग, मैं चाहता था कि जब हमारा लेक्चर हो, ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमने कहा कि एक बार पहले तो प्रैक्टिस कर लेंगे और ऊपर से मैं थोड़े से आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि लेक्चर तो हमारा 20 तारीख से है, लेकिन पता चला हम 20 को ये चीज़ समझेंगे कि करना क्या है और कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि यूज टू नहीं हो पाएगा, और उस दिन हमारा जो टाइम है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। एक एक दिन की अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है। क्या बात है, प्रिंस यादव आ गए हैं, अपना पर्दा वर्दा पीछे लगा लिया है। चलो तो हम लोग इसमें प्रॉपर फन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। फोटो भी खींच लो, शादी के लिए भेज सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है कि कैसे कैसे करने वाले हैं वो प्रोसेस समझने वाले हैं, और कितना मेहनत करना पड़ेगा वो समझने वाले हैं, जिससे कि 20 तारीख को जब आएँ तो हम लोग प्रॉपर एक असाइनमेंट्स के साथ आएँ और कुछ हमारे पास बना रहे। तो देखो गाइस, हमारा पहला और लास्ट गोल ये है कि हमें जॉब लेनी है, ठीक है। आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर के अंदर जॉब तभी मिलेगा जब हमारा लेवल बहुत हाई होगा, तो इसलिए हमें अपने लेवल्स को हाई करना पड़ेगा, और लेवल्स को हाई करने के लिए डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे भी करके हमें किसी भी कंपनी में एंट्री मिलनी है। डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि स्टैट प्रो और ऑटो कैट को ओपनिंग मिले, क्योंकि स्टार्ट जब इनसे होता है तो करियर लंबा जाता है। रीज़न ये होता है कि बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इसमें से यहाँ पर प्रीति है, प्रीति स्टैट प्रो और ऑटो कैट में ऑलरेडी वर्क कर रही है, और अभी इसको इसके लिए इसको कैसे पढ़ना है, इसको अपनी सैलरी को इन्हेंस करना है। तो हम लोग करने वाले क्या क्या है ये चीज़ थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको माइक दूंगा, आराम से आपको जो जो बोलना रहेगा ऑन करके बोल सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। आज हम करने वाले क्या है, चंद्रदीप तुम लेट आए हैं, चलो 15 हैं, एक कोई मिसिंग है, 15 में मतलब एक तो मैं ही हूँ, 14 हैं, कोई एक मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली और आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको इस लेक्चर को कैसे भी करके अटेंड करना है, चाहे आप कहीं पे सब्जी खरीदने जाओ, चाहे फिर आप कहीं पे क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ, उसको बोलो कि 2 मिनट रुको, पहले लेक्चर अटेंड करेंगे, 80% अटेंडेंस मुझे प्रोवाइड करो। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, चैट बॉक्स में कर सकते हो अपना चैट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कुछ आवाज़ वगैरह कुछ लफड़ा होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो इधर। तो हमें इस लेक्चर को डेली अटेंड करना है। उसका रीज़न ये रहेगा कि एक दिन का टास्क आपका अगर कंप्लीट नहीं होगा, सपोज आज मैंने आपको बताया कि आप बीम पर एनालिसिस करना, एक बीम बनाना और एक कॉलम बनाना, आज एनालिसिस कर लेना, और कल बताया कि पूरी फ्रेम बना के उस पर एनालिसिस करना, जब आपको एक फ्रेम बनाना नहीं आया तो पूरा फ्रेम कैसे बनाओगे। तो ये वही हो गया, हम सब तो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन अगर बीच में एक दो स्टेयर निकल गई तो ऊपर चढ़ने के लिए फिर बहुत ज़्यादा पैर फैलाना पड़ेगा। हो सकता है अगर वो जो होता है ना वाटर टैंक वगैरह उस पर चढ़ रहे हो तो नीचे भी आ सकते हो, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस माई रिक्वेस्ट कि आपको अटेंड डेली करना है। दूसरा चीज़, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को सबको ऑल इन वन कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। कई लोगों के पास ऑलरेडी है और कई लोगों के पास नहीं है, तो मैं एक एक करके सबको मैसेज करूँगा। कल ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो कल तक सबके पास ऑल इन वन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करूँगा। स्टडी मटेरियल हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, डेली बेसिस पे, मतलब क्लास वन में क्या करना है ये मैं 20 को आपको दे दूँगा कि भाई आज क्लास वन में ये करना है, फिर क्लास टू में क्या करना है वो क्लास टू के दूसरे दिन मिलेगा, पहला दिन का चेक होके तब। तो आप सोच रहे हो कि सर गूगल मीट पे करेंगे, नहीं, मुझे लगता है कि मेरा ऐप ज़्यादा इसके लिए अच्छा है,
ऐप अच्छा होने का कई रीजंस हैं। उसमें एक तो होगा कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे, मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग ऐप पर मिल जाती है, इसलिए पहला सबसे बड़ा फीचर यही है। तो हम ऐप में आपको ऑलरेडी ऐड कर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैसेज आएगा जस्ट ज्वाइन कर लेना बस टाइमिंग पे। और उसकी भी प्रैक्टिस मैं परसों करा दूंगा, तब भी इसको आएंगे जिससे कि एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो लेक्चर हम लोग करेंगे किस पे, यूनिक सिविल ऐप पर। और दूसरी चीज़, अब अपना ट्रेनिंग जो चल रहा है ये तो डेफिनेटली मैं टेक्निकल ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो मैं तो आपको ट्रेंड करूँगा स्ट्रक्चर्स में, लेकिन आपको सर्च करना है कि यूट्यूब पर सर्च करना है, मैं कुछ रेफरेंस भी दे दूँगा ऐसे लोग जो कि एचआर की तैयारी करवाते हैं, एचआर राउंड्स की। हम सबको पता है कि हम सब सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियर का मैक्सिमम इंग्लिश में हाथ साफ नहीं होता है, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इंग्लिश में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट टेक्निकल वाला तो चलो मैनेज कर लेता है क्योंकि इंटरव्यू तो टेक्निकल पर्सन लेता है, लेकिन जो एचआर राउंड होता है तो एचआर को तो पैसा ही इसी चीज़ का मिलता है, कोई एचआर वाला काम किया तो नहीं है इसमें, तो उनको पैसा इसी चीज़ का मिलता है कि कितना अच्छे तरीके से वो अपना इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे पाएँ। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप कैसे भी करके एचआर राउंड की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, सो दैट कि जब मैं फ्राइडे को आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लूँ, मतलब जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, इस फ्राइडे को कैसे लेंगे, इस फ्राइडे को तो लेक्चर स्टार्ट होगा, तो जब फेस टू फेस लूँ तो मैं आपको बोलूँ कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप सोचो नहीं कि मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि निधि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो निधि बोल रही है माई नेम इज निधि चौधरी। अब निधि का नाम तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो फिर काहे को निधि चौधरी, निधि ये बोल सकती है एज यू नो माई नेम इज निधि चौधरी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको सीखने हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा जो प्रॉपर वीडियोस मुझे अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली मेरे नहीं होंगे, किसी भी चैनल के, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें सीखने से मतलब है। टेक्निकल राउंड के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, सो दैट उस हिसाब से कर सको। मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन हो रहा है, मतलब मेरा स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है क्या, थोड़ा मैसेज कर देना, मैं गूगल मीट कभी यूज़ नहीं किया हूँ तो इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या प्रॉपर, या ओके ओके ठीक है, तब ठीक है। सोएब बोल रहे हैं नहीं, सोएब फिर आपका कुछ लपड़ा है। सुबोल बोल रहे हैं अच्छा फुल स्क्रीन, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे कि मोस्ट कंट्रोल, ओके एक मिनट हाँ थोड़े से क्लियर कर लेंगे इसको कैसे करते हैं फुल स्क्रीन, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके चेंज लेआउट, हाँ ये लेआउट है, शायद हमें ऐसे आना पड़ेगा कुछ, ओके ये लेआउट है और इस पर हम ओके, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ रिमूव, मैं ये सब ट्राई इसीलिए पहले से करके करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। ये जैसे मेरा फुल स्क्रीन तो आ गया है, और क्योंकि आगे हम लोग कई ढेर सारी मीटिंग्स इस पर भी करेंगे और मैक्सिमम ऐप पर तो करने ही वाले हैं। चेंज लेआउट में और क्या हो सकता है, ओके ये मेरा है टाइटल स्पॉटलाइट, ओके स्पॉटलाइट में सुबोल का क्यों आ रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस कंफर्म इनपुट्स, ओके हाँ अब हो गया, अभी मुझे समझ में आया कि इसमें पिन कैसे करते हैं, अब शायद आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अभी सही है, ठीक है। तो हमें टेक्निकल राउंड के लिए क्या करना है, मैं आपको कल से पीडीएफ शेयर करूँगा, ठीक है, एक एक पीडीएफ शेयर करूँगा और उनको इकट्ठा मत करना, इकट्ठा इन द सेंस कि एक बार ले लिया और उसको रख दिया कि चलो अब तो सर ने दे ही दिया पढ़ ही लेंगे, नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वो सारे पीडीएफ्स आज का पीडीएफ आज ही फिनिश कर देना है, उससे क्या बेनिफिट होगा, कल को बर्डन नहीं रहेगा हमारे पास कि कल नया क्या पढ़ना है। और डेफिनेटली जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, सपोज मैंने आज सुबोल से पूछ लिया, कल निधि से पूछ लिया, कल किसी और से पूछ लिया, डेली बेसिस पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। जैसे कि आज एक पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कौन सी पीडीएफ है, तो उसको आप देखिएगा क्या है, कुछ है नहीं उसमें, एक प्रोफाइल के बारे में बताया गया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर करता क्या है, होता क्या है, तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना हमें हमारे ट्रेनिंग्स में। तो उसको आपको डेली बेसिस पे अपने जो भी मैं आपको कंटेंट दूँ आज के आज ही यहाँ पर रख देना, ठीक है, घर में नहीं, लैपटॉप में नहीं, यहाँ पर रख देना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और डेफिनेटली उसी से आपका ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप सबने देखा होगा कि जब मैंने आपसे पहले बात किया होगा व्हाट्सएप पे कहीं पे भी, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहा होगा
सेंड मी योर रिज्यूमे, मैंने आपको बोला होगा अपना रिज्यूमे सेंड करो। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या हो ये बताता है आपका रिज्यूमे। तो आज से ही आपको अपने रिज्यूमे को अपडेट कर लेना है। मैं आपको सही फॉर्मेट दूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से रिज्यूमे को अपडेट करना चाहिए। आप बोलोगे सर अभी तो हमने सीखा नहीं है ऑटो कैड या फिर स्टैट प्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख तो रहे हो ना, अभी ट्रेनिंग तो आ ही चुके हो ना, तो जब सीख रहे हो तो फिर क्या कर सकते हो, आप उसके हिसाब से अपडेट कर सकते हो खुद को ना। तो आप रिज्यूमे में लिख रखो कि स्टैट प्रो ऑटो कैड मेरा हो चुका है, जिससे कि आज अगर आप अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, मान लो आज सुबह सुबह एक टेक्ला की ओपनिंग आई थी, एक रैबिट की ओपनिंग आई थी, दो दो ग्लोव्स थी, तो आप अप्लाई करते हो तो शॉर्ट लिस्टिंग होने में मिनिमम 15 से 20 दिन 25 दिन लग जाता है, मैक्सिमम तो 1.5 से 2 महीने। तो एटलीस्ट जब तक उनका कॉल आएगा तब तक आपके पास क्या रहेगा, एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपका रियल में भी कंप्लीट हुआ रहेगा और रिज्यूम में भी आपकी ऑटोकैड स्टैट प्रो मेंशन रहेगा। तो इसलिए पहला काम आज ही करना है, अपने रिज्यूम को अपडेट कर लेना है। वैसे पूरे ट्रेनिंग्स में आपको कम से कम मैं 15 से 20 बार रिज्यूम अपडेट करवाने वाला हूँ। आप सोचोगे सर 15 से 20 बार रिज्यूम क्यों? क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सीवी होनी चाहिए। अगर JW में अप्लाई कर रहे हो तो मैं JW के जो काम है, जो उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वहाँ के इंजीनियर्स की, वो आपके रिज्यूम में ऐड करवाऊंगा। अगर आप क्या बोलते हैं ब्लैक एंड बीच में कर रहे हो तो ब्लैक एंड बीच की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग रिज्यूमे आपको शेयर करना पड़ेगा। डेफिनेटली अभी मैं आपको, आप भी अपना पॉइंट रख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो हर कंपनी के लिए अलग अलग रिज्यूमे हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़ गाइस, असाइनमेंट जो होगा वो मैं मेल करूँगा, अपना एक मेल आई डी सिविल इंजीनियर गुरुगुरु का एकदम सेपरेट मेल आई डी हमने बनाया है, सो दैट कि कोई भी, क्योंकि मेरा जो मेल आई डी आप सबको पता है बहुत मेल आते हैं, तो इसमें केवल केवल हमारे और आपके मेल रहेंगे। तो उस मेल पर आपको अपना अपडेट रिज्यूमे भेज देना है, सो दैट कि सुबह, आज सुबह सुबह एक मैसेज आया कि 2 रैबिट के ओपनिंग है, अगर आपके पास कोई है तो भेज दीजिए, तो मुझे सर्च ना करना पड़े कहाँ जाना है, मैं सिविल इंजीनियर गुरुकुल के मेल आईडी पर आ जाऊँ, वहाँ पे सर्च करूँ कि अच्छा ठीक है निधि इसके लिए सही कैंडिडेट है, या पवन इसके लिए सही कैंडिडेट है, या फिर कोई भी एक्सवाइजर कैंडिडेट, मैं खुद से ही भेज दूँ, आपको भी मुझे बताने की ज़रूरत न पड़े। और थोड़ी बहुत एडिटिंग है तो खुद मैं इतना तो कर ही सकते हैं यार, ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तुम लेट आए यार बेचारी, ये गलत काम है, ठीक है, अगर डेट पे लेट जाओगे चलेगा, यहाँ लेट मत आना, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा इसकी वजह, देखो अभी इसको जो अभी आया इस बेचारे को अभी कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। फिलहाल आज का रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आज पहला सेशन है, इसलिए कुछ गलतियाँ माफ़ हैं, और लास्ट में कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा वो हमेशा। तो आप अभी से फिक्स कर लीजिए कि मैं इस ट्रेनिंग को डेफिनेटली क्लास का तो ये टाइम दूंगा दूंगा 7 से 8.5, प्रैक्टिस का टाइम कब दूंगा, या फिर जो मैंने आज स्टडी मटेरियल में आपको भेजने वाला हूँ इसका टाइम कब दूंगा। तो आप अपना टाइम हो सकता है 8 से 9 सेट करें, 9 से 10 सेट करें, किसी को मैं टाइम सेट करके नहीं दूंगा क्योंकि सबका अपना अपना जॉब है, अपना अपना काम है। तो ये सेट कर लो कि मैं इस टाइम पर ही ट्रेनिंग करने वाला हूँ और ट्रेनिंग करने के बाद प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ और आखिरी चीज़ है, इसके बाद ये डायरी बंद हो रही है, आखिरी चीज़ है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच मतलब अगर आप स्टार्टिंग से ही नेगेटिव माइंड से चलोगे कि यार कुछ नहीं हो सकता है, कहीं जॉब नहीं लगेगी, बिलीव करो सच में नहीं लगेगी। इसी के जगह पे अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे, अरे यार इतना अगर सीख लेंगे, स्टैट प्रो पर प्रॉपर प्रोजेक्ट करके सबमिट कर पाएंगे, ऑटोकैड पर प्रॉपर प्लानिंग करके दे पाएंगे, ऑटोकैड पर बीम डिटेलिंग्स करके, कॉलम डिटेलिंग मतलब स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करके दे पाएंगे, तो कौन जॉब में नहीं रखेगा, किसको अपने कंपनी की ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर प्रेसिजन प्रीकास्ट कंपनी है तो वो उसको अपना बेनिफिट करना है, उसको यार पैसे कमाना है, तो तुमको 15-20 हज़ार रुपये दे के गरीब थोड़ी हो जाएगा, वो तो करोड़ों के प्रोजेक्ट ले रहा है, बस दिक्कत क्या होती है कि हम उनके प्रोजेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें उस लायक बनना है कि हम उनके प्रोजेक्ट्स को कर लें। चलिए इसके बाद अभी हमें आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, बट उससे पहले आपके अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक में तो पूछ लो, फिर स्क्रीन शेयर करेंगे आराम से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मत सोचना कि सर से कैसे पूछेंगे, आराम से आप दोस्त कर पूछ सकते हो, बट इतना भी दोस्त मत बना लेना कि सर पार्टी करोगे क्या, इस तरीके का काम मत करना। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी तक का। हरीश आपका माइक ऑन है, कुछ बोलना चाहोगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ बोलो सर, टाइमिंग क्या रखी है आपने? टाइमिंग ये बदल, जिस टाइम पे भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो 7 से 8.5, हाँ ये स्टार्ट टू एंड यही टाइमिंग रहेगा,
ठीक है, आप 8:30 से 9 तक चल सकता है अगर हमारे पास टाइम रहा तो, और लेकिन स्टार्टिंग का टाइम यही रहेगा 7 टू क्या बोलते 8:30। क्लियर है? ये 7:30 पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, क्यों? एक्चुअली ट्रैवलिंग में टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम होता है सर छोटा सा, वहाँ से अभी 7:30 भी नहीं, मैं 7 है। अभी तुम क्या जॉब में हो? जस्ट अभी आया हूँ मैं, और कभी कभी लेट भी हो ठीक है, तो जाता हूँ, तो इसलिए सेवन मैंने थर्टी मैंने तो पहले ही आप सबको क्लास का टाइमिंग बता दिया था। चलो तो मुझे व्हाट्सएप करना, हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ हो पाएगा तो। कोई नई बैच अगर रहेगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या बोलते, चलो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर लेना आरिसा। सर। ओके हाँ सर, ओके, तो जो टास्क होगा उसको कंप्लीट करना होगा यही टाइम में, और पूरा दिन में कहीं भी कर सकते हैं। क्लास आप कभी भी कर सकते हो, मतलब अटेंड कभी भी कर सकते हो, बट ये जो क्लास अटेंड करना है इसी टाइम पे करना है। टास्क आपका जब मन करे, आप सुबह सुबह उठ के करना चाहो, रात को 12 बजे करो, आपकी मर्जी है। दूसरे दिन जब आप 7 बजे आएंगे तो आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके आएंगे, बस ये फिक्स रहना चाहिए। सर हाँ सर मैं जो बोल रहा हूँ सर, जो हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट होगा सर, इसमें तो कंप्लीट कोर्स रहेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो कोर्स रहता है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टावर्स। ओनली बिल्डिंग्स, ओनली बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर का बिल्डिंग कोर्स, अच्छा, ये फुल्ली बिल्डिंग बेस है जिससे कि आपकी जॉब ज़्यादा लग सके। अगर आप ब्रिजेज में जाएंगे तो फिर आप रेल स्ट्रक्चर में जाइए, फिर आप टनल में जाइए, फिर डैम में जाइए, वो फिर तो 2-4 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, ये दिस इज स्पेशली फॉर बिल्डिंग्स और भी स्ट्रक्चर्स, दैट्स इट। वो और टावर्स भी नए आएंगे ना? भी नहीं, बिल्डिंग्स ओनली आरसीसी बिल्डिंग्स में भी, नॉट स्टील, ठीक है, तभी तो इतने दिन में कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओनली आरसीसी बिल्डिंग, उसकी पूरी एक्सपर्टीज, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर में कहाँ क्या क्या आता है, और हमारा जो ये सिलेबस है इसमें हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वही है। और किसी को क्वेश्चन है? सर उसमें तो सर फाउंडेशन भी आएगा? ऑफकोर्स आएगा, आरसीसी का सब कुछ, ये आरसीसी का स्पेशल ट्रेनिंग है मेरा, ठीक है सर, जाएगा। चलिए, होप सब तो कुछ, अगर किसी क्वेश्चन है तो पूछ लो। निधि, पवन, प्रिंस, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी? रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, ओके, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग का अगर मिस यूज करोगे, इन द सेंस मिस यूज कैसे वो सर, वो इमरजेंसी के लिए सर पूछा। हाँ, अगर क्या रिपीट अपन को डाउट आ रहा है तो रिपीट देख के थोड़ा एक्सपर्ट होने। जिस दिन हमें ऐसा लगा कि लोग सेशन ना अटेंड करके इसको ज्यादा अटेंड कर रहे हाँ, तो हैं, वो तो फिर हो नहीं पाएगा सर, फिर उसी दिन बंद हो जाएगा रिकॉर्डिंग शेयर करना। हाँ, वो मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर आए ही हैं एक्चुअली। देखो पता है क्या, तैयारी आप खुद से भी कर सकते हो, बट खुद माइक बंद कर देना, माइक बंद कर देना, खुद से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा खुद से इस, क्योंकि ऑल इन वन में तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको जब आप अकेले बैठते हो तो आपको कोई प्रेशर करने वाला नहीं है, यहाँ तो आपकी लाइव बेइज्जती होगी, और बेइज्जती भी कैसी होगी कि सबको दिखेगी रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए आपको टास्क डर के मारे चाहे करो चाहे जैसे करो करके ही आना पड़ेगा। तो ये इसका फायदा है, जो कंसिस्टेंसी मेरी मेरे मतलब ये है कि जैसे कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरा हैबिट हो गया है कि मुझे मोबाइल पकड़ के उस पर सारे मैसेज देखने हैं, ये एक बैड हैबिट है ना, तो इसकी हैबिट बनते बनते अभी बन गई, छूट नहीं रही है। ऐसे ही मुझे हैबिट बनाना है गुड वाला आपका, कि आपको डेली टास्क दूं, डेली कंप्लीट करना है, एकदम आदत में बन जाएगा तो फिर कंपनी में जाओगे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे। और मैं आपको कोशिश करूंगा डे 1 वीक के बाद ओपनिंग्स बताना स्टार्ट कर दूंगा कि यहाँ पर आज ओपनिंग चल रही है, यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, अप्लाई करो, रिज्यूम इसी हिसाब से बनाओ, आपको सैंपल देता रहूँगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। नेक्स्ट एपिसोड अपना ये है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होता क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है आप सबको पता है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा क्या एक्चुअली में रहेगा ये बताने वाला हूँ। दूसरा, आप सबको एक सैंपल भेजने वाला हूँ कि रिज्यूम किस तरीके से बनाना है। रिज्यूम आज से ही बना के रखेंगे। अब बोलोगे सर आज से क्यों रिज्यूम बनाना है? क्योंकि आज आप बनाओगे तो आज से जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो ओपनिंग्स का जो आपको रिस्पॉन्स आएगा वो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने लग जाते हैं। तब तक आप तैयार रहोगे और तब तक में ऐसा रहेगा कि भाई अब चलो इंटरव्यू देते हो, फ्रेश फ्रेश पढ़े रहोगे, जाके अच्छा परफॉर्म करके जॉब ले लोगे। तो चलो दोनों चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शायद शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, इंटायर स्क्रीन, यस ओके, ये होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, अभी दिख रही है, यू आर प्रेजेंटिंग नाउ, ठीक
ठीक है, तो ये सब जो हम लोग ये सो कैन यू राइट माई रिज्यूम आई नो स्टैंड फॉर, हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाने वाला रहा है कैसे आपको बनाना है फिलहाल। अब ये जो आपका सेशन जो अभी चल रहा है ये कैसे आपको मिलेगा, ये जो अपने एक सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल करके हमने एक अलग से चैनल बना दिया है, ये चैनल में सारे वीडियो सबको विजिबल नहीं होंगे, सिर्फ आप लोगों को विजिबल होंगे, ऐसा हम इसको करेंगे। मीन्स आपके पास लिंक रहेगी, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तभी इस पे दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। कुछ वीडियो ऐसे रहेंगे जिसमें ऐसा कुछ नहीं है वो सबको दिखेंगे, जैसे कि आज वाला वीडियो तो सबको दिखेगा क्योंकि डेफिनेटली ये तो हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम लोग करने वाले क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का क्या रोल रहता है और किस तरीके से वहाँ पर हमें करना होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर का वर्क है, मतलब एक तरफ से स्टार्ट टू एंड, जिसमें से हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे ये भी आपको दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, क्या होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये हमें पता होना चाहिए, बोर मत होना, फोकस होके समझना, सो दैट कि जब कंपनी आपसे पूछी कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है तो आप उसको गिना सकते हो कि कौन कौन से डोमेन में क्या क्या होता है। तो ये आपका तैयार हो रहा है क्वेश्चन और हमारा तो एम ही है जॉब। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ओवरव्यू में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, आप खुद दिन से पूछ लेना, केवल 10-15% को स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या होता है पता होगा। व्हाट टू डू, व्हाट डू दे डू, मतलब करते क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियर, ये तो लगभग पता होगा कई लोगों को, कई लोगों को नहीं पता होगा। व्हाट डू दे डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करते हैं हम लोग, मतलब सारा काम आर्किटेक्ट ही क्यों नहीं कर लेता है, हमारी क्या जरूरत पड़ती है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो पहले तो समझते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का जो काम होता है वो ये होता है जो ऊपर आपके सामने है, क्या है, इंजीनियर मैथमेटिक्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। आप लोग सर कैसा कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन जो आप स्टैट पे करते हो, ईटेप, ये सब क्या है, कैलकुलेशन ही है ना। जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो क्या था, सब कुछ मैनुअल होता था, तो यही हमारा काम होता है कि मैथमेटिक्स ऑफ डिज़ाइन, कैलकुलेट करो कॉलम का साइज, कैलकुलेट करो फुटिंग का साइज, तो ये कैलकुलेशन का जो पूरा काम है यही काम स्ट्रक्चर इंजीनियर का होता है। आप बोलो सर आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, वो विज़न देखता है, विज़न मतलब कैसा दिख सकता है, कैसा थॉट है क्लाइंट का, एस्थेटिक कैसा दिखेगा, मतलब लुक कैसा दिखेगा, जैसे आप पीछे वाली बिल्डिंग में देखो इसका लुक, तो लुक डिसाइड करने वाला आर्किटेक्ट था, ये खड़ा कैसे हुआ, इसके कॉलम के साइजेस क्या हुए, ये सब काम किसका था, स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम था, ठीक है। मेडिएटर मतलब होता है कि वो आपके प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी डेफिनेटली पूरा प्रोजेक्ट आप थोड़ी हैंडल करोगे, तो आपके प्रोजेक्ट को कौन एक लेके आएगा, कोई एक बिडर होगा लेके आएगा, वो आर्किटेक्ट से और स्ट्रक्चर इंजीनियर से दोनों से कॉन्टैक्ट करेगा, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हैं, ये रोल कॉन्ट्रैक्टर का रहता है। और जब पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो सेल्समैन क्या करता है, वो आपका जो भी आपने बनाया हुआ है उसको सेल करता है। तो हमारा जो काम है ये ऊपर वाला है, कैलकुलेशन करने का काम है, चाहे आप एक्सेल से कर लो, चाहे स्टैट से कर लो, चाहे ईटैप से कर लो, चाहे कोई भी XYZ और जो मार्केट में सॉफ्टवेयर है उनसे कर लो। अच्छा जी, अब व्हाट डू स्ट्रक्चरल इंजीनियर डू, क्या करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डीप में समझो। अगर आप एक कंसल्टेंट हो तो आप क्या करते हो, एक डिज़ाइन एंड फिट द स्ट्रक्चरल सिस्टम, आप देखते हो कि कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं प्रॉपर, और उसमें प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग हम, क्योंकि डेफिनेटली अगर 230 का जगह आप 200 का कॉलम लगा देंगे तो ये तो लॉ नहीं है ना, ठीक है। रूल क्या है कि मिनिमम 9 inches आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रॉपर कंसल्ट करके अपनी पूरी डिज़ाइन को करना पड़ता है। टेक अ डिज़ाइन एंड फिट स्ट्रक्चरल सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम जैसा आपको फिट लगता है कि यहाँ पर कॉलम देना चाहिए, यहाँ पर फुटिंग देना चाहिए, वो सारा काम कौन करता है, आप करते हो। अच्छा जी, और भी कोई काम होता है क्या आपका, मतलब डिज़ाइन करने के अलावा, यस, आप डिज़ाइन करने के अलावा आपको इंस्पेक्टर करना पड़ता है, मतलब इंस्पेक्ट करना पड़ता है, जाँच करना पड़ता है। एक होती है NOC, NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जब कंपनी प्रोवाइड करती है तो उससे पहले जाँच करवाती है कि डिज़ाइन जैसा मैंने दिया था वैसा बना है कि नहीं। तो आपको महीने में, 2 महीने में अगर अच्छी साइट है तो वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है, जिसमें आप कंक्रीट चेक करते हो, स्टील चेक करते हो, उसमें आप बिल्डिंग्स को प्रॉपर चेक करते हो, फुटिंग कैसे पड़ी हुई है, प्लिंथ बीम कैसे पड़ी हुई है, मीन्स सारा का सारा जाँच आप करने का काम आपका होता है
वो आपको करना पड़ेगा। मतलब पहला काम तो कंसल्टेंट का काम रहेगा आपका, डिज़ाइन लोगे, उसको फिट करोगे स्ट्रक्चर सिस्टम के अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग सेट करोगे। दूसरा जांच करोगे। और कुछ काम होता है क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर का? यस, और काम क्या होता है? बिल्डिंग की डिकंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर रिट्रोफिट, कुछ बनाना है एक्स्ट्रा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, वो भी काम स्ट्रक्चर इंजीनियर का होता है। तो अगर आप अपनी खुद की कंपनी भविष्य में खोलेंगे तो आप तीनों काम पे वर्क करेंगे, और बाकी अगर अभी केवल और केवल कंपनी में अगर जॉब लेना है तो आपका काम यहाँ रहेगा टेक कट डिज़ाइन वाला, डिज़ाइन लोगे और उसको रूल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करोगे। चलिए, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, सो टेंशन मत लेना, थोड़े से स्पीड ले लूँगा हम। व्हाट डू दे डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन क्या करता है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या डिज़ाइन करता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन रजिस्टर ऑफ सपोर्ट लोडिंग एंड डिसिपेट एनर्जी, जिसके अंदर हमारा जो जो इस ट्रेनिंग का पर्पज है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। डेफिनेटली केवल बिल्डिंग ही स्ट्रक्चर का रोल नहीं है, स्ट्रक्चर इंजीनियर देखो लिखा है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन एनालाइज स्ट्रक्चर्स। तो हमारा काम तो सिर्फ बिल्डिंग ही है जो हम लोग की ट्रेनिंग है, बट इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन कर सकता है? वो ब्रिज भी डिज़ाइन कर सकता है, टनल भी कर सकता है, डैम भी कर सकता है। ये पूरा एक अलग ही स्ट्रक्चर इंजीनियर का पार्ट है और ये पूरा एक अलग है। तो हमारा जो टारगेट है, क्योंकि इसमें जॉब्स हमें ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए हाउस स्कैपर्स एंड एनीथिंग डिज़ाइन फॉर कंटिन्यू ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, मतलब कुछ भी ऐसा छोटा सा घर जैसे कि G+1 G+2 का कोई झोपड़ी है, कुछ भी डिज़ाइन करना है वो सब कुछ। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, अब इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग के अलग अलग फोर्सेस लगेंगे, इसके बारे में फिलहाल तो आगे डिस्कस करूँगा। आसान भाषा में बता दूँ तो स्टैटिक फोर्स और डायनेमिक फोर्स, दोनों तरीके के फोर्स, जिसको आप लोग डेड लोड और लाइव लोड के नाम से जानते हो, वो सारा इसमें हम लोग को देखना पड़ता है। डेड लोड में क्या होता है, आपका कॉलम है, फुटिंग है, ये सब डेड लोड है, ठीक है। और लाइक लाइव लोड में क्या होता है, आप डायनेमिक मतलब जो चल रहा हो, स्टैटिक मतलब जो स्टेबल हो, ठीक है। तो मैंने दो अलग टाइप का नाम दिया, हमने कहा थोड़ा एडवांस होगा अपना काम, बाकी जगहों पर आप पढ़ते होगे डेड लोड लाइव लोड, बोथ आर सेम, सो कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ पर आप हैं, आपके घर वाले हैं, ठीक है, और शादी कर लेते हैं तो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ये सब क्या है, ये सब डायनेमिक है। और फर्नीचर वगैरह क्या है, ये सब भी डायनेमिक है। आप सोफा खरीदते हो, आप चेयर खरीदते हो, ये सब क्या है, डायनेमिक है, मतलब लाइव लोड है और ये डेड लोड है। आगे इसको हम बहुत डीप में समझेंगे, अभी तो बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसके अलावा एक्सियल फोर्सेस होते हैं। एक्सियल फोर्सेस इन द सेंस कि अगर आसान भाषा में बताऊँ तो आप अगर अपने सिर के ऊपर, आप अपने सिर के ऊपर अगर 10 किलो का पानी का टंकी रख लेंगे, पानी ठीक नहीं रहेगा, पेट्रोल महंगा है, अपनी वैल्यू बढ़ा दो, अगर आप अपने सिर के ऊपर 10 लीटर पानी का टैंक, सॉरी पेट्रोल का टैंक ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो एक्सियल लोड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ऊपर से आने वाला है, एक्टिंग अलोंग वन एक्सिस डायरेक्ट ऑन पॉइंट सरफेस। जो आपके ऊपर 10 केजी पेट्रोल आया, 10 लीटर सॉरी आप केजी पे बोल रहा हूँ क्योंकि केजी में कैसा होता है अपना लोड होता है ना, तो 10 लीटर जो आने वाला है वो क्या है, वो एक्सियल फोर्स आपका ऐड करेगा। तो आपके पैर के पास आपका वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फुटिंग का डिज़ाइन करते हैं। सो आगे ये सभी देखेंगे। बेंडिंग मोमेंट हमें देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये भी समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब फोर्सेज हैं। हाँ, पहला फोर्स हमने क्या बताया, स्टैटिक फोर्स मतलब लाइव लोड, डेड लोड देखते हैं, फिर लाइव लोड देखते हैं, फिर एक्सियल फोर्सेस देखते हैं, फिर मोमेंट देखते हैं, फिर हम लोग टेंसाइल फोर्सेस देखते हैं, टेंसाइल फोर्सेस के बाद कंप्रेसिव फोर्सेस देखते हैं। सबको पता ही होगा ना, टेंसाइल बीम में हम लोग देखते हैं ना, बीम टेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है उसमें, कॉलम में केवल कंप्रेशन, ये देख लो आपके सामने है रिजल्ट। तो ये सब डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जानो ये फोर्सेस होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। इसके बाद हमें देखना पड़ता है स्ट्रेन स्ट्रेस कितना और इसको स्ट्रेस किया जा सकता है, तभी तक हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक लिमिट तक डिज़ाइन करते हैं ना अपने स्ट्रक्चर्स को। तो इसके बारे में भी हम इस ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे, मतलब ये मैं गो थ्रू कर रहा हूँ आपको कि हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और कैसे हम लोग अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सब कुछ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अलग अलग टाइप के कुछ लोडिंग्स होते हैं, जैसे कि आप सबने सुना होगा ग्रेविटी लोड या फिर वेट मतलब उसका डेड लोड, विंड लोड, स्नो, अर्थक्वेक, मैन मेड, अगर आपने कोई टावर लगा दिया, कुछ और लगा दिया या कार रख दिया पार्किंग में, तो वो सारे लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इस ट्रेनिंग में, हम सब सीखेंगे। और बाकी जो टू अलग टाइप के डेड और लाइव हैं
वो तो आप सीखोगे, वॉल फ्लोर वगैरह वगैरह, पीपल डेस्क, ये सब कुछ। तो ये क्या है, लोडिंग से है, सारा खेल तो लोडिंग का ही है। अगर लोडिंग नहीं होता तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं काम करने के लिए। आप फॉरेन में जाओगे तो आपको टिम्बर के भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मेजनरी के भी मिलेंगे। मेजनरी के तो अपने आप ही मिलते हैं, बट वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा जो पार्ट है वो तीसरा नंबर है, कंक्रीट। तो हमारी पूरी स्टडी जो होने वाली है ट्रेनिंग में, वो कंक्रीट के ऊपर होने वाली है। बाकी स्टील है, कंपोजिट है, टिम्बर है, मेजनरी है, ये सब पे भी अलग अलग कंट्रीज में काम होता है। अपने यहाँ मेजनरी और कंक्रीट ज़्यादा होता है, स्टील अब बढ़ने लगा है, हम लोग कंक्रीट पढ़ेंगे। अब इसमें अलग अलग कौन कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती है किसी भी स्ट्रक्चर्स को जब डिज़ाइन करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा ना, कि स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, सपोज आप, आपकी खुद की बॉडी है, खुद की बॉडी में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो कैसे आप, अगर किसी से लड़ना हुआ, मान लो आपके सामने विंड आ गया, हवा आ गया, ताकत ही नहीं, उड़ जाओगे, ठीक है, पता चला उड़ के नदी में गिर गए तो कोई मतलब नहीं निकला। तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, जिम वगैरह जाया करो, तो वो यहाँ से आपको मिलेगा। डेंसिटी, ठीक है, आप कितना स्पेस ले रहे हो, आपका कितना घनत्व है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया, मतलब बहुत मोटे हो गए और ताकत नहीं है किस काम का, ठीक है, डेंसिटी उतनी हो जितनी रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप सबको पता होगा स्टील की डेंसिटी 7850, उसके बाद RCC की डेंसिटी आपको पता होगा 1415, सबके अलग अलग। तो आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, हार्डनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, टफनेस, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे डीप में। क्या होते हैं स्ट्रेंथ, क्या डेंसिटी, इस पर पूरा हम PPT पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। स्ट्रेंथ को यहाँ पर वही है, आपको अलग से इसकी PPT दूंगा स्ट्रेंथ की, सो अभी मैं इसको स्किप करूँगा। डेंसिटी को भी एक अलग तरीके से मैं थोड़े आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हूँ कि दोनों यूनिट में आप सीखो, कल को अगर आप फॉरेन जाते हो तो आपको हेल्प मिले, ठीक है, उस तरीके से स्टडी करो। हार्डनेस को भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। डक्टिलिटी और इलास्टिसिटी आप चाहो तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, टफनेस, और इन सब की अलग अलग मैं PPT आपको दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। टिम्बर का स्ट्रक्चर आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन सामने है, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हमारे आगे के सेशन में आएंगे। दूसरा है मेजनरी, आपके गांव में आप देखते होंगे मेजनरी स्ट्रक्चर्स बनते होंगे। कोई माइक ऑन करना चाहता है, थोड़ा सा रुक जाना। अच्छा माइक नहीं, कोई एंट्री करना चाह रहा है क्या? जस्ट अ मिनट, मज़ा आ रहा होगा आपको, थोड़ी देर रुको, इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। नहीं कोई नहीं है, ठीक है, वो अटेंडेंट से बोला, मुझे लगा कि कोई वो कर रहा है। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना, ओके। अब यहाँ पर इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद कंक्रीट है, कंक्रीट में आपका एडवांटेज आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा ये पार्ट है। कंक्रीट कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर है, सबको पता ही है, सीमेंट है, स्मॉल एग्रीगेट, छोटे छोटे गिट्टियाँ और लार्ज एग्रीगेट, इनका क्या है, पूरा मिक्सअप होता है कंक्रीट, और इसका जो हड्डी होती है वो क्या होती है, स्टील। एडवांटेज है इसका, वेरी वर्सेटाइल, हर जगह यूज कर सकते हो, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस, लफड़ा नहीं होता कि कहीं आग वगैरह लग गया। मेनी डिजर्व साइज ऑफ होमवर्क्स, अलग अलग साइज के होमवर्क, एल्यूमिनियम का, वुड का, जिस तरह के स्टील का यूज कर सकते हो इसके लिए। तो यही हमारा सेशन है। और इसके क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज है, लॉन्ग क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग करना पड़ता है, और लो टेंशन, ऑफकोर्स ये टेंशन के लिए ज़्यादा अच्छा है नहीं। फेल सीयर, इन सीयर फेल हो जाता है, आप सब देखते होंगे, स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो जाता है। अनलेस रेनफोर्स, मतलब कल को अगर ये ख़राब हो गया तो फिर इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो। स्टील की बिल्डिंग को अगर आपने तोड़ा तो आपके यूज में आ जाएगा, बट RCC की बिल्डिंग आपको किसी यूज में नहीं आएगी अगर उसको तोड़ दिया था। तो हैवी मटेरियल इसमें लगता है, तो इसलिए इसका डेड लोड ज़्यादा होता है, आप सबको पता है, ठीक है। बाकी ये स्टील है और इनके बारे में भी मैं आपसे लाइक नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। इसमें कंपोजिट होता है, कंपोजिट मतलब होता है स्टील और RCC को मिक्स कर देना। तो ये अलग अलग सेशंस हैं जो आगे आने वाले हैं। आपको मैंने गो थ्रो कर दिया कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ट्रस के बारे में, और ये सब हम लोग देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, कहाँ पर जी किस तरीके से डोम स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हाँ ये थोड़े से आप समझ सकते हो। जैसे कि बीम्स हम लोग यूज़ करते हैं, गर्डर, कॉलम, फ्लोर्स, फाउंडेशन, ये हमारा सीरीज होता है पूरा का पूरा। और इसमें पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर देखते हैं, उसके बाद बीम्स, गर्डर अगर RCC स्टील है तो गर्डर्स, कॉलम्स, फाउंडेशन और सॉइल, ये हमारा स्टेप्स होता है
कि लोड कैसे कैसे हमारा कितना, फ्लोर का लोड कितना आएगा, बीम का लोड कितना आएगा, स्टील है तो गिर्डर नहीं तो स्किप कर दो, कॉलम का लोड कितना आएगा, फिर फाउंडेशन कैसे बनाना है और सॉइल की क्या कैपेसिटी है। तो ये सभी सीरीज होती हैं जो कि हम लोग जब स्टेट टू स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। फिर फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, सैलो फाउंडेशन कौन से होते हैं, डीप फाउंडेशन कौन से होते हैं। अगर सॉइल टेस्टिंग नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे एक वन साइड हो जाते हैं, तो अगर इसकी SBC चेक नहीं किया है, अगर आपने फुटिंग दोनों को सेम स्ट्रेंथ दे दिया और इधर लोड ज़्यादा आ गया तो नीचे चला जाता है, तो वो सब कैसे होते हैं ये सब भी हम लोग इसी ट्रेनिंग्स में देखेंगे। कॉलम्स कैसे कोलैप्स करते हैं, उसको कोलैप्स ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। गिर्डर्स तो चलो इसमें भी आपको देख सकते हो कि गिर्डर्स अलग अलग साइज के, ठीक है, और ये बीम्स हैं, बीम्स के स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, कॉलम के स्टैंडर्ड साइजेस, फ्लोरिंग को कितने कितने साइज के ले सकते हो, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली हमें इस ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा था ना सबको, ओके, टेकिंग स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं आई थी, मेरा फेस दिख रहा है क्या आपको, सॉरी स्टॉप एजेंट, अच्छा स्टॉप एजेंट ठीक है, अब दिख रहा है, स्क्रीन शॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको दिखाना था मुझे कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कंक्रीट, कंक्रीट के लिए फिर उसमें कॉलम का साइज क्या रखोगे, बीम का साइज क्या रखोगे, कॉलम की डिटेलिंग्स, बीम की डिटेलिंग्स, फुटिंग की डिटेलिंग्स, स्लैब की डिटेलिंग्स, मतलब जॉब में यही सारी चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं। और इसी से हम डीप में समझेंगे स्टैटिक एनालिसिस में हमारे कौन कौन से लोड आ जाएंगे, लाइक आपका सेस्मिक कैसे एक्ट करेगा, विंड कैसे एक्ट करेगा, मान लो सॉफ्टवेयर ने बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट ले लिया तो एडिट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये था ट्रेनिंग का जस्ट एक डेमो कह सकते हो। अब हम लोग दिखाते हैं रिज्यूम आपको कैसे अपग्रेड करना है, और मैं आपको रिज्यूम शेयर कर दूंगा, कैसे करूंगा ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ले चलते उधर भी, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है और कुछ अच्छे हैं जो कि फ्रेशर हैं, ठीक है। तो जो फ्रेशर हैं उनको ये CV फॉलो करना है, ये CV मेरे द्वारा बनवाई गई है तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। आप अपना नाम लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो, एड्रेस में ध्यान देना है कि बहुत डीप में, जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ C387 ये गलत है, केवल और केवल बस एक कॉलोनी का नाम बता देना है और पिन कोड उत्तर प्रदेश जहाँ से भी आप हैं वहाँ का बता सकते हैं। मेल ID, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर आपके पास दो हैं तो दोनों लिख सकते हो, एक है तो एक लिखिए। आपने जो भी डिग्री की हुई है याद रखना, इनका MTech है, अगर आपका BTech है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई डिग्री ऊपर रहेगी, लोअर डिग्री उसके नीचे, उससे लोअर उससे नीचे, उसके लोअर उससे नीचे, ओके। टेक्निकल में आप यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा लिख रखा है, अगर आप चाहो तो इसको कॉपी भी करोगे चलेगा, जिससे कि अभी ETAB वाला पोर्सन मत करना क्योंकि अभी कवर नहीं हुआ है। बाकी स्टेट प्रो के लिए आप मेंशन कर सकते हो, RCC स्ट्रक्चर का आप ट्रेनिंग मेरे से ले ही रहे हो ये भी मेंशन कर सकते हो, ये मैंने बनवाया है, हाँ तो ETAB आप मत मेंशन करना अभी के लिए। और बाकी इस्टीमेशन कॉस्टिंग अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो ऐड करना, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप नीचे आना, यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्निकल स्किल्स, जिसमें से आपको मेंशन करना है अभी ऑटोकैड और स्टेट प्रो, नीचे के मत ऐड करना, जब करा दूंगा तब इसको ऐड करना, अभी सिर्फ दो स्किल्स ऐड करना। एकेडमिक प्रोजेक्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जो आपने कॉलेज में किया है, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया तो वो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ज़रूर लिखना, जिसमें से अगर कुछ नहीं भी किए हो और थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेट किए थे तो भी ज़रूर इसको मेंशन करना। स्ट्रेंथ में आप सबको यहाँ पर अपना जो भी स्ट्रेंथ आपको लगता है कि मेरा है वो लिख दीजिएगा, और पर्सनल डिटेल्स में आपको ऐसे लिखना है। याद रखना अगर यहाँ पर इन्होंने हॉबी नहीं मेंशन किया, क्या हॉबी आप अगर आपने मेंशन किया तो हॉबी वही लिखिएगा जो हॉबी आपको सच में पता है, मतलब आप ट्रैवलिंग अगर लिखते हो तो सच में आप ट्रैवल करते हो प्रॉपर डीप में, रीडिंग बुक्स लिखते हो तो सच में आप बुक रीड करते हो, इस चीज़ का ध्यान देना और इस तरीके से इसको आप मेंशन कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप लोग एक्सपीरियंस है, थोड़ा भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इनके तरह CV बनाएंगे, बिलाल की तरह, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, जो भी आपको नॉलेज है उस नॉलेज को लिख सकते हैं। CV का फॉर्मेट यही यूज करना है अगर आप चाहते हो कि हर जगह शॉर्टलिस्ट हो। तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास, ये मैंने बताया फ्रेशर के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए है, जो भी आपने काम किया हुआ है उसको प्रॉपर डीप में लिखना अच्छे तरीके से,
करेक्शन जो रहेगा वो मैं कराऊंगा, सो उसका टेंशन मत लेना, सिर्फ आज बना लेना। दूसरी भी कोई कंपनी है तो ठीक, नहीं है तो फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चरल स्किल आपके पास क्या क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो जो जो चीज़ों का ट्रेनिंग लिया है वो मेंशन कर देना, और अपना एजुकेशन मेंशन कर देना कि आपने बीटेक किया है, जो भी किया है आपने डिग्री मेंशन कर देना, और लास्ट में एकेडमिक प्रोजेक्ट करना। एकेडमिक प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करना कि किया क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉबी वगैरह जो भी आपका है फिर पर्सनल डिटेल्स ऑफ ए डिटेल्स। तो ये उनके लिए है जो लोग सीवी क्या बोलते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है, और जो फ्रेशर है उनके लिए ये है। याद रखना जब भी कभी रिज्यूम बनाओ तो ऐसे जैसे लिखा है इन्होंने शुभम तिवारी रिज्यूम कन्वर्टेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे इस बच्चे ने लिखा है ये बीन की सीवी है, शुभम सीवी ऐसा आपको लिखना है। आप ऐसा कर सकते हो, उसको रिन्यूम कर सकते हो, अभी मैंने विंडोज 11 में कन्वर्ट कर दिया तो आप लोग देख लेना, रीनेम कर लेना। रीनेम करके केवल ऐसे शुभम तिवारी या फिर शुभम जो भी आपका नाम है आगे वैसा ही लिखना। आगे जैसे इसमें लिखा है 3, ये भी गलत है, नहीं लिखा होना चाहिए 3 का मतलब आप बार बार उसको अपग्रेड किए हो या फिर 2-3 लोगों को भेजे पड़े हो, कहीं शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिल रही है, ये रिप्रेजेंट करता है। सो आपको केवल और केवल अपना जैसे इन्होंने लिखा सुदाम गायकवाड़, इतना लिखना है बस, ठीक है। चलिए ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, सिर्फ उसका टेंशन नहीं लेना है। सर कैन यू रिपीट प्लीज व्हाट यू सेड जस्ट नाउ? ओके, लाइक आई थिंक यू लेट, लाइक व्हिच सेंटेंस यू वांट टू, आई कैन रिपीट लास्ट वन सर, लास्ट वन यू सेड जस्ट नाउ, यू सेड ओके ओके जस्ट आई सेड डोंट मेंशन योर सीवी इज लाइक दिस शुभम तिवारी रिज्यूम कन्वर्टेड 1, दिस इज रॉन्ग। आपको सीवी कैसे सिंपल लिखना है, सिंपल इन द सेंस शुभम सीवी, जस्ट अ नेम, नॉट रिक्वायर्ड सीवी एक्चुअली, ओनली इफ यू मेंशन शुभम तिवारी दैट्स इट। समटाइम्स होता क्या है कि हम लोग बार बार जब सीवी को अपग्रेड करते हैं तो आप लोग देखते होंगे ऐसे आ जाता होगा या फिर ऐसे आ जाता है सुदाम गायकवाड़ आगे लिखा है 3, मतलब इन्होंने 3 बार अपने सीवी को अपग्रेड किया या फिर 3 बार किसी को भेजा है तो रीनेम होता चला गया है, ये गलत है। ऐसे लिखिए ओनली नेम, और आगे लिखना है सीवी तो यू कैन, अदरवाइज नो इसको। जैसे भी मैंने आपको लिए ट्रेनिंग के लिए क्या किया, देखिए सिंपल सा लिखा है ना, सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन, मतलब क्या करने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने दे दिया, इसका रीनेम हमने एकदम सिंपल किया हुआ। ऐसे ही अपने सीवी का भी सिंपल रीनेम करेंगे सो दैट किसी को जब भेजेंगे वो डाउनलोड करेगा तो उसमें ये नहीं शो करेगा 3 बार हुआ कि 2 बार हुआ, या फिर अब देखो इसने लिखा है रियल सीवी बिलाल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बट इसका फॉर्मेट हमने बनवाया है इसलिए फॉर्मेट एक्यूरेट है, आप इसको यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस वाले और फ्रेशर वाले यूज़ करेंगे इस फॉर्मेट को। होप दिस इज क्लियर। ओके, आप आराम से आप बात कर सकते हो, जो भी आपके प्रश्न हैं पूछ सकते हो कि सर ये मेरे प्रश्न हैं, ठीक है। जस्ट मैं अभी गो थ्रू हुआ, आपको इंट्रोड्यूस किया कि एग्जैक्टली यार हम लोग करने वाले क्या क्या है और RCC में हम लोग को क्या क्या पढ़ना आना चाहिए, वो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। आशीष रॉय, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लिंक रहेगा उस लिंक को किसी को शेयर मत करना, सो दैट कि हम 15 के 15 ही रहेंगे, ऑलरेडी कोई और नहीं है, बट थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना। निधि कोई क्वेश्चन है? पवन सर, हाँ जी, हाँ सुनो सर, कुछ दिन पहले वो नागार्जुना नाम से एक कंपनी से फोन आया था, करेक्ट, वो बोल रहे थे आप तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ स्टैट प्रो और RCPSE, तो वो बोल रहा है आप कोई 3D सॉफ्टवेयर का कोई नॉलेज है स्टैट प्रो और ये छोड़ RCPSE छोड़? ओके, कोई और सॉफ्टवेयर का नॉलेज है ऐसा? वो 3D सॉफ्टवेयर का बोल रहा है। ओके, 3D सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो डेफिनेटली हम लोग इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं 3D के लिए, मैंने रैबिट ऐड किया है आपके ट्रेनिंग में, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी सीखने वाले हो इसके अंदर रैबिट भी, ठीक है। और किसी को कुछ सर, अपने इंडिया में RCC वर्क ज़्यादा होता है कि स्केल वर्क ज़्यादा है? RCC वर्क ज़्यादा होता है। आप ये बताओ कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में आप जहाँ ऑफिस तो जाते ही होंगे रास्ते में, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के रेंज में आपको कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा दिखती है? RCC दिखती है तो बस आइडिया आप लगा सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन है?
पूछो आराम से पूछो, बोलो हाँ नहीं दी पूछो। सर आपने जो अभी सीवी दिखाया एक्सपीरियंस पर्सन का, वो आपने जो दिखाया उस वो 4 पेजेस का था, बट मैंने सुना है कि जो एक्सपीरियंस्ड सीवी होता है वो सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, तो कैसे होता है कि आप ये बताओ कि आपको आप कहीं पे जा रहे हो, सपोज आप क्या बोलते हैं आप हमारे कंपनी में आ रहे हो, ठीक है, तो ये अच्छा है कि आप अपनी पूरी स्किल्स को प्रेजेंट करो कि ये अच्छा है कि अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो। अगर हमको अगर सपोज में कुकिंग मतलब कुकिंग करना हमको आता है, तो अगर मैं आपके यहाँ पे जॉब के लिए आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे केवल सब्जी बनाना आता है, या फिर मैंने बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, ये अच्छा है, या फिर मैं बताऊँ कि मुझे खाना बनाना आता है, उसके अंदर मैं ऐसे ऐसे डिशेज बता दूँ जिसका नाम ही आपने ना सुना हो, बड़े अच्छे अच्छे वाले, तो किस में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा? एक था कि आपने बता दिया मुझे खाना बनाना आता है, अब खाना बनाने का सेंस होता है दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन दूसरा होता है कि अगर आपने जो भी आप खाते हो नॉन वेज वेज में, अगर मैं सारा डिशेस लिख दूं अच्छा अच्छा तो आपको लगेगा ना कि मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। सो सीवी जितना एक्सपीरियंस होते जाते हो उतनी बड़ी होती जाती है, 3 पेजेस में जनरली, अगर आपके पास 2 साल का, किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था इसका 3-4 पेज हो गया, जनरली 3 पेज तक आप जा सकते हो सीवी लेके, ठीक है। और वो जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो सीईओ वगैरह होते हैं बड़े बड़े कंपनी के ना, अब वो अपना एक्सप्लेन करेंगे काम तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो अपना सीवी 1 पेज में प्रेजेंट करते हैं, उनके लिए रिलेवेंट होता है क्योंकि वो क्या क्या प्रेजेंट करें। अब सीईओ को इतना ढेर सारा काम होता है कि वो क्या क्या मेंशन करेगा, एचआर को हैंडल करता है, मैनेजर को हैंडल करता है, फिर तो उसकी सीवी क्या किताब हो जाएगी ना, ठीक है, तो वो डिस्क्राइब कर देते हैं। बट हमें एज ए स्टूडेंट जितने प्रोजेक्ट हमने किए हैं, अभी मेरा एक दोस्त है उसका कभी सीवी दिखाऊंगा, वो उसका सीवी 4 पेज का है, तो 4 पेज की सीवी मतलब उसने जितने अब तक प्रोजेक्ट किए हैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेरा इस प्रोजेक्ट में ये रोल था, मेरा इस प्रोजेक्ट में ये रोल था, और वो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज ले रहा है, तो हमें डिस्क्राइब करना चाहिए। सीवी इज वॉट, सीवी मतलब तुम क्या हो, मुझे कैसे बतानी थी, इसे जस्ट मैं अभी टॉक कर रहा हूँ तो मुझे इनके बारे में नहीं पता ना, लेकिन आपकी सीवी सामने होगी तो मैं बता दूंगा कि आप बचपन से अब तक में कैसे स्टूडेंट रहे हैं। क्लियर है? हाँ, ओके। और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? सैक तुम भी बोलो, सभी लोग बोलो आराम से। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि मैंने एक कॉलेज में पढ़ाया है, करेक्ट, तो क्या मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस रेज्यूमे दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, अगर नहीं दोगे तो होगा क्या कि पहली बार तो कैरियर गैप हो जाएगा, ठीक है, दूसरी चीज कि हमने जो 5-6 साल में पढ़ाया हुआ है उसका यूज खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसका कुछ तो यूज आना चाहिए, उसमें ये चीज कर सकते हो थोड़े से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ऐसा करके आप मेंशन कर सकते हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था मैं, किस चीज का था, अब आप ट्रेनिंग ले रहे हो स्ट्रक्चर का, तो आपको लिखना चाहिए स्ट्रक्चर्स, और उसमें नीचे लिखना चाहिए ऑल्सो सॉफ्टवेयर्स, जिसमें आप ऑटोकैड और स्टेटबुक का सॉफ्टवेयर लिख दोगे ना तो आपकी सीवी की क्वालिटी बढ़ जाएगी। सर मैंने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाया है, हाँ, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़े हैं, करेक्ट, फिर सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा है, करेक्ट, तो क्या ये सब्जेक्ट दे सकते हो? नहीं, सॉइल मैकेनिक्स मत दो, बिल्डिंग मटेरियल्स दो, ठीक है, और इसके अलावा नहीं भी पढ़ाया है तो भी आप सो मेंशन करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इससे आपके प्रोजेक्ट आपकी जो वैल्यू है रिज्यूम का वो बढ़ जाएगा, या फिर RCC कर दो, तो उससे क्या होगा ना, अच्छा इन्होंने RCC, लेकिन हाँ नॉलेज होना चाहिए तभी मेंशन करना, सोम ज़्यादा अच्छे से आता है तो सोम मेंशन करना, और अगर RCC आता है तो RCC कर देना। अब स्टील भी दे सकते हो? स्टील भी दे सकते हो अगर स्टील की ट्रेनिंग ले रहे हो, बट यहाँ पर तुम स्टील मत मेंशन करो, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है सर, क्योंकि स्टील में कैसे कि स्टील एक अलग डोमेन हो जाएगा, वहाँ यहाँ कुछ पढ़ेंगे नहीं स्टील के बारे में, पूछ लिया तो फंस जाओगे, ठीक है। तो एक दिन एक लड़का ने क्या किया था कि उसने एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट होता है, उसने सोचा कि स्ट्रक्चर के इंटरव्यू है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगर मेंशन कर दूंगा, मेरा बैचमेट था, मेंशन कर दूंगा तो सामने वाला कुछ पूछेगा नहीं, तो फिर जो इंटरव्यू ले रहा था गलती से फंस गया, वो ट्रांसपोर्टेशन में उसने एमटेक किया था, उसने उसकी ऐसी बैंड बजाई कि मतलब वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन आता नहीं था, और क्या बोलते हैं, और उसने मेंशन कर दिया था, सुबोल बोल रहे लास्ट में कुछ बोलूँगा, लास्ट में नहीं यार अभी बोलो, तुम यहाँ बोलने के लिए हम लोग आए हैं, एकदम फ्री होके बोल सकते हो। थैंक यू सर। ओके जी सर, एक्चुअली सर आउटसाइड ऑफ दिस टॉपिक, ओके आउटसाइड ऑफ दिस टॉपिक, जस्ट रिलेटेड टू सर जो मैंने आपको चार्टर्ड इंजीनियरिंग का क्या, हाँ, उसको तो मुझे 10:30 बजे कॉल करना, ठीक है, ठीक है, मैं कॉल पे डिस्कस करूँगा क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है,
ठीक है, इसमें तुम्हारी कहानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलेगा ओके मुखर्जी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? ये देखो अभी कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर पूछो, हमसे बात करना है। हाँ जी बोलो। शोभादीप दीप सर, हाँ सॉरी बोलो। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मतलब कोर्स है या इंटर्नशिप है, यहाँ तो ऑटोकैड और स्टैट प्रो का सिखाया जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन है कि या क्या मैनुअल डिज़ाइन भी सिखाना जाएगा, मतलब जो आरसीसी या है? और इसके कैसे है, इसके मैंने ऑलरेडी 260 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है मुखर्जी, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या, उसमें मैंने आरसीसी भी देने वाला हूँ आपको, मतलब मैनुअल भी देने वाला हूँ, एक्सेल भी देने वाला हूँ, स्टैट प्रो भी देने वाला हूँ, ईटैब भी, सेफ भी, रेविट आर्टिक्चर भी, रेविट स्ट्रक्चर भी, ऑटोकैड भी, सारा कुछ है। तुमने मेरा ऑल इन वन का कोर्स अगर देखा होगा तो कल हम लोग ऑल इन वन आप सबको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कल मैं आपको एक एक इंडिविजुअली कॉल करूँगा, वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो कल आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, रखे आप सब रहोगे, पढ़ोगे मेरे अकॉर्डिंग कि जो मैं आज बोलूँगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके हेलो सर। हेलो, हाँ सर, जोहेब। हाँ सोहेब बोलो। सर ये फ्रेशर सीवी में इंटर्नशिप का ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल, इंटर्नशिप का ये अभी अपना जो इंटर्नशिप है इसका मैं आगे ऐड कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी अपना इंटर्नशिप में कुछ नहीं किया, इसलिए हमने क्या बोला 15 से 16 बार आपके रिज्यूम को रिफ्रेश करवाऊंगा, ठीक है। हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आपके इस रिज्यूम को एडिट करवाऊंगा। ओके ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे इंटर, क्योंकि अभी कुछ सीखा नहीं है तो इसलिए मेंशन करना समझदारी नहीं रहेगी, जैसे सीख लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस फॉर्मेट में मेंशन करिए इस चीज़ को। और किसी कोई क्वेश्चन है पूछ लो आराम से, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारी 20 से स्टार्ट है। चलो होप सारे क्वेश्चन सबके क्लियर हो गए। हाँ जी बोलिए बोलिए। रेट्रोफिटिंग कितने जा रहे हैं क्या? सॉरी रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग का डिज़ाइन हम लोग सीखेंगे क्या? नहीं, ये हम लोग आरसीसी, फ्रेश आरसीसी बिल्डिंग्स का सीखेंगे। मतलब रेट में हमने क्या दिखाया कि रेट्रोफिटिंग भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। वो हमने डिस्क्राइब किया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो था कि बिल्डिंग्स में जा सकता है, दूसरा तुमने देखा टनल, ब्रिज, डैम, ये पूरा का पूरा अलग अलग डोमेन है। तो इसमें हम क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में कैसी बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक हाई रेंज बिल्डिंग्स, और एक जो छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, जैसे कि किसी ने एक कमरे का, दो कमरे का, किसी ने हॉल बनवाया, ये अपने सिलेबस में रहेगा। और कुछ डाउट है पूछो। हसन तुम्हारा भी कोई डाउट है, ऑफिस में हो कि घर पहुंच गए? महबूब चलो सर, कोर्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब पहले क्या होगा, ऑटोकैड और पहले ऑटोकैड और ऑटोकैड की देखो हमारा मेन मकसद क्या है, इस पूरे कोर्स का मेन मकसद है जॉब, ठीक है। तो अब जितने लोग फ्रेशर हो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपको ऑटोकैड पे ही लोग शिफ्ट करेंगे, रखेंगे एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, बट पहले आपको हमेशा हर कंपनी 6 महीने से साल भर ऑटोकैड पे वर्क कराती ही कराती है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा लगभग 1 महीने हो सकता है टाइम लूँगा केवल ऑटोकैड पे, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका वही है, और बाकी तो जो दूसरे सिखाएंगे वो तो नॉलेज के लिए डेफिनेटली रहेंगे। हाँ, आपको जो दूसरी जॉब मिल सकती है अगर आप ऑटोकैड से थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, तो आपको दूसरा जॉब मिलेगा स्टैट प्रो पे। तो हम जो मेन फोकस करेंगे ऑटोकैड और स्टैट प्रो पे करेंगे, बाकी ईटैब सेप जितनी चीज़ें सब सिखाएंगे, बट ये दो मेन फोकस में रहेंगे जिससे कि हमारी जॉब अच्छी लगे। नितिन कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा? शर्मा जी, आशीष तुमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई डाउट नहीं है आशीष? ऑल क्लियर सर। ओके वेरी गुड, ये तो मेरा पुराना स्टूडेंट है, जानता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रिंस, प्रिंस तुमने कुछ नहीं पूछा यार, शुरू बड़ा पर्दा वर्दा लगा क्या है? अच्छा लगा कुछ, मतलब कि समझ आया कि क्या क्या करने वाले? ओके ऑल क्लियर, वेरी गुड, अच्छी बात है। मतलब लगभग सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और हमने ये इसलिए लिया ये क्या बोलते हैं सेशन, जिससे क्या थोड़ा बहुत यूज टू हो जाएं हम लोग भी, क्योंकि गूगल मीट में पहली बार चला रहा हूँ, इसके पहले थोड़ा बहुत चलाया था, लेकिन वो कैसे कि किसी का लेक्चर आ गया अटेंड करने के लिए, तो बस उसे चलाया था, हमने कहा चलो सीख लेंगे। दूसरा इसी बहाने हम सबके कुछ जैसे कुछ टेक्निकली फॉल्ट हुआ तो भी बता देंगे। तीसरा आज मैं आप सबको ऐप के अंदर ऐड कर दूंगा, आज या फिर कल मॉर्निंग में, तो ऐप के अंदर आप लोग आ जाएंगे, सेपरेट हमारी बैच होगी ऐप के अंदर, सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि जो अटेंडेंस कम कर रहा है उसको रिकॉर्डिंग से बाहर कर देंगे, क्योंकि फिर उसको रिकॉर्डिंग देना समझदारी नहीं है, उसकी आदत ख़राब हो जाएगी, और हम लोग आए ही हैं यहाँ आदत बनाने के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ कि हमको रोज करना है ख़त्म, और चेक करने के लिए तो मैं हूँ ही। माइक ऑन नहीं हो रहा है,
उसमें देखो ब्रदर, वो जो माइक वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करो, या फिर एक बार लिफ्ट करके ऑन आ जाओ, शायद ऐसा कुछ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर दो, अगर नहीं ऑन हो रहा तो। चलो सर, सीवी सेंड करेंगे ना? हाँ, मैं सीवी सेंड करूँगा। आप लोगों को अभी इस मीटिंग के बाद क्या करना है, जस्ट अपना मेल आई डी मुझे भेज देना है आप सबको, सो देट कि हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये एक मिनट, जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कहाँ का स्क्रीन वाला यार, ये जो भी यहाँ पर लोग पढ़ेंगे उसका मैक्सिमम पार्ट आप सबको जो मेल पर जाएगा स्टडी मटेरियल, वो इस मेल आई डी पर जाएगा। अब जो पुराने बच्चे हैं वो लोग इस मेल आई डी को ही यूज करेंगे, और मैं आप सबको ये मेल आई डी भेज दूंगा अपना। कुछ है नहीं, gurukulcivilengineers@gmail.com, बस ये है। तो इसी में सारे मेल करना है, सो दैट मैं जैसे यहाँ पर सर्च करूँ आपका रिज्यूम सामने मिल जाए बस। और जो अपने लेक्चर्स अभी जैसे जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जो आगे रिकॉर्ड होगा, उससे मैक्सिमम लेक्चर यहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल करके, ठीक है। ये चैनल बहुत पब्लिश करने के लिए नहीं है, ये चैनल ही है मैंने बनाया कि थोड़ा सेपरेट रहेगा अपना ये गुरुकुल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें सिर्फ गुरुकुल से रिलेटेड ही चीज़ें करने वाले हैं। कैसे होता है कि मतलब घचपच नहीं होनी चाहिए चीज़ों को लेकर। चलो, सबको क्लियर होगा, ये PPT मैंने आप सबको भेज दूंगा। बाकी सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको मेल करूंगा। तो आज आपका काम क्या है, आज आपका काम है ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। अब कुछ लोगों के लैपटॉप में 2015 इंस्टॉल हो सकता है, कुछ लोगों के लैपटॉप में 20, कुछ लोगों के लैपटॉप में 16। तो मैं आपको सारे दे दूंगा, लगभग 15 का भी दे दूंगा, सॉरी 15 नहीं दूंगा, 15 बहुत आउटडेटेड हो गया, 16 17 18 19 20 चारों ईयर का सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा। एक सपोर्ट नहीं किया तो आप दूसरा करने के लिए तो रहोगे ना एटलीस्ट। दूसरी चीज़ ये कि जिसका जितना हाई सिस्टम है उस हिसाब से डाउनलोड करना अपने सॉफ्टवेयर्स को, जिससे ईजिली चल सके। दूंगा सारे, करना एक। और मेरा पसंदीदा अगर बोलोगे तो मैं बोलूँगा 2016 वर्जन ऑटोकैड का सबसे अच्छा है, पर कुछ बच्चों के माइंड में रहता है ना, नया वाला करेंगे नया वाला करेंगे, तो आपकी मर्जी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट 16 का जो है स्मूथ चलता है, इसलिए मैं वही यूज करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच आप लोग अटेंड किए पहला लेक्चर हम लोग का। ये लेक्चर नहीं था, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। पहले लेक्चर में हम लोग आपको टास्क जैसे दूंगा, तो फिर वो लेक्चर 20 को आप देखोगे। शायद एक ट्रेनिंग हम लोग मतलब एक ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लेंगे ऐप के ऊपर 19 तारीख को, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप थोड़ा सा ऐप पर भी यूज टू हो जाओगे कि कैसे अटेंड करना है लेक्चर, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने लोग को। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, नॉलेज गेन पर, ओके। सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए देखो क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को आगे तो एक बुक रीफर करने वाला हूँ, ये अभी सर आपको ना लिखे, इस बुक का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये बुक देने वाला हूँ, बट अभी लेने की ज़रूरत नहीं, जब मैं बोलूँगा तब। इस बुक में सारा कुछ है, मतलब SFT, BMT, डिफ्लेक्शन, मैनुअल डिज़ाइनिंग, जिसने कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं किया है उसको इस बुक को मैं रिफ़र करूँगा। बाकी लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए तो जो जितना मैं दूंगा पर्याप्त रहेगा, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम सर, मेरा प्रॉब्लम हो गया है, क्या प्रॉब्लम वगैरह है आपका? और बाकी आपको पढ़ने के लिए अगर बोलोगे तो इसमें आप पढ़ सकते हो SFD, BMD और मोमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, और थोड़ा बहुत RCC के स्टैंडर्ड्स के बारे में पता कर सकते हो, IS कोर्स के बारे में ये पढ़ सकते हो अगर आपको घर पर पढ़ना है अभी तो। परचेज इन वन बुक एज वेल सजेशन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये बुक खरीद लिया तो बहुत अच्छा किया है, बाकी मैं आगे जब बोलूँगा जब जरूरत पड़ेगी तब उस टाइम पर खरीद लेना। उनके लिए है जिनका बेसिक वीक है, तो मैं जब इंटरव्यू लूँगा आपका फ्राइडे को, एक बार फेस टू फेस ऐसे ही जैसे भी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल होगा अलग अलग, तो उस टाइम पर मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना नॉलेज है और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो आइडिया लग जाएगा आपका, ठीक है। उसके लिए बुक हम आपको रिफर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे शायद 19 को एक बार हम लोग ऐप पर भी ऐसे छोटा सा सेशन लेंगे, बाकी 20 से कंटिन्यू करेंगे। और जिसका भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप कर लेना, जैसे ही टाइम मिलेगा हम लोग हेल्प कर देंगे दूसरे को, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। बस इतना याद रखना, जैसे आज आप लोग रेगुलर आए हो 15 के 15 लोग, ऐसे ही रोज आना, ठीक है। क्योंकि सबसे गंदा काम यही होता है कि हम लोग एक दिन तो बड़ा ही एक्साइटमेंट में कर लेते हैं बट कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर आप लोग कंटिन्यू हुए तो मेरे ऊपर छोड़ दो, इतना तो मैं बना दूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं तो अच्छे जगह प्लेस हो जाएंगे। चलिए, सबको गुड नाइट, बाय बाय।